आई लव यू ऐसे इंसल्टिंग कहा जाता है कि बिखरे हुए झूठों को सवारा नहीं करते। अच्छा? बिखरे हुए झूठों को सवारा नहीं करते। हम और के माँ के सच्चे भक्त हैं, हम और के माँ के सच्चे भक्त हैं, हमें कभी ललकारा नहीं करे, ललकारा नहीं करते। एक बार जोरदार ताली बजा के दिखा दीजिए इनको आप लोग। आज समझ रहे हैं आपकी महिलाएं थोड़ी कम है लेकिन उनमें दम है बहुत ज्यादा। कम तो कम पावर बहुत ज्यादा दम। पहले पूरी बात सुनिए कि आपकी महिलाएं थोड़ी कम है लेकिन उनमें दम है, लेकिन हमारी जितने भी पुरुष है ना सब टाइम कम है। अच्छा ऐसे ऐसे एनर्जी देते रहिए। जो जो ताली नहीं बनाए मम्मी उनके लिए ठीक है चाचा। चुप चुप साउंड वाले भाई आप भी जो चुपचाप नहीं बैठना चाहते हैं कार्यक्रम का लोग सभी लोग हाथ ऊपर उठाइए ना पूरा पूरा। कि चुप जा बैठे से कुछ ना होए, कि चुप जा बैठे से कुछ ना होए, जब ले जब ले खाली ऐसे बसता है मतलब थोड़ा सा थाई थोड़ा सा साइड लेगा। साउंड वाले भैया हमें आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि थोड़ा साउंड देखिए बार बार उठ जा रहा है कैसे आऊँ घर में हाथे को पूरा पूरा उठा लीजिए पूरा पूरा एकदम एकदम साउंड वाले भाई आप कान किधर है साउंड वाले भाई माइक पे ध्यान दीजिए पूरा पूरा हाथ उठा दीजिए ना पूरा थोड़े थोड़े देर के लिए समझिए कि रामदेव बाबा की व्यायाम कर रहे हैं आप लोग है ना। जब मोटे होंगे वो पतले हो जाएंगे और जब पतले हैं वो शिवमल हो जाएंगे होना है ना। तो थोड़े देर के लिए माँ के दरबार में माँ के नाम से आदि बदल रहता है दोनों हाथों को खड़ा करके कोई कंजूसी ना कीजिए थोड़ा सा हाथ उठा करके कि चुप जा कुछ ना अभी भी ताली में कंजूसी हो रही है। कहा जाता है कि दूध में चावल डालने से खीर बनता है दूध में चावल डालने से खीर बनता है और मैया रानी की दरबार में जयकारा लगाने से और तालियां बजाने से सब खीर तकदीर बनता है। तो जो तकदीर जो तकदीर बनाना चाहता है जरा दोनों हाथों को थोड़ा खड़ा खड़ा करके कि चुप चाप सब जगह कार्यक्रम किया सब जगह जाती हूँ लेकिन पहली बार इतना अच्छा
तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बैठ जाइए जिनको जहाँ पे जगह मिल रहा है। क्या निशा गाएंगे और क्या निशा बनाएंगे, उन दोनों से अच्छा तो आप लोग जयकारा लगा रहे हैं और आप लोग आ रहे हैं। कार्यकर्ता से बोलना पड़ेगा कल से कल ड्यूटी करने के लिए ना, यहाँ के लोग ही इतना अच्छा जयकारा लगा रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं कि मतलब मुझे तो छोड़ के जाना पड़ेगा फिर, तो कल से मुझे गायकी बहुत करनी पड़ेगी ना। महिलाओं को छोड़ कर क्यों नहीं, महिलाएं तो बुरे नाच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हमको पता है महिलाएं सिर्फ दो ही बार हाथ उठाती है, एक बार सुबह सवेरे रोटी बनाने के लिए, दूसरा पति, दूसरी बार अगर अभी पता हो जाए कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो यहीं से गाते हुए जाके गीता